आएंगे गेट में दरवाजे में तो भक्त की उपाधि मिलेगी, कोई आएगा नहीं तो उसे भक्त कौन कहेगा, उसे राहगीर कहेंगे, जाने वाला यात्री राहगीर, वो तो जा रहा है। अंदर आएगा वो भक्त हो गया, अंदर घूमा और गेट में प्रवेश किया और भक्त हो गया। राम कथा हो रही है, भले उसके मन में कथा नहीं उतरे लेकिन वो भक्त की संध्या उसे लग गई है। तो यहाँ सती सुनने गई थी इसलिए जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने प्रणाम किया है और राम कथा गा रहे हैं। राम कथा मोहि बर जीव खानी, राम कथा बर जीव खानी, राम कथा मोहि बर जीव खानी, राम कथा मोहि बर जीव खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए, कथा मोहि बर जीव खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, अगस्त ऋषि ने राम कथा का गान किया, सुनी महेश परम सुख मानी, बोले बाबा जो राम कथा मिल गई तो बोले बाबा को अमृत मिल गया, बैठ के कथा सुनी कथा पूरी हुई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, बोले बाबा ने कथा सुनी है। अंत में जब जाने लगे, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ, थोड़े दिन भोले बाबा सती के साथ वहीं रहे, जब तक कथा चली कथा पूरी हुई अब जाने लगे। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कितनी सफाई लिखी है, सुनी मुनि सदा विदा त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्षि कुमारी, विदा मांग करके भोले बाबा चले। तो जब कथा सुनने आए ना तो तुलसीदास जी ने लिखा कि जगत जननी भवानी कथा सुनने आई, और कथा नहीं सुनी मन नहीं लगा तो ज्यादा समय क्या लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी, कोई जगत की माता नहीं, एक दक्ष की राजकुमारी भोले बाबा के पीछे पीछे चल रही थी जिसका कोई औचित्य नहीं है। कथा सुनने आए तो बड़े प्रेम से लिखा था जगत जननी भवानी आई है, और गई जब क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी, पीछे पीछे जा रही है, कथा नहीं सुनी इसलिए लिखा। आगे चलते चलते बोले बाबा तो जो कथा सुन के गए थे ना तो मन में उसी का स्मरण हो रहा था बार बार, राम कथा, मेरे राम जी कहीं दिख जाए, राम जी कहीं नजर आ जाए, दर्शन हो जाए, आंखें बंद की हुई झूमते हुए जा रहे थे बोले बाबा जंगल में, और आंखें खुली तो आगे क्या देखा, आगे हमारे राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के विरह में ढूंढ रहे हैं सीता जी को, खोज रहे हैं सीता जी को, हाय सीता हा गुण खान जानकी सीता, रूप सील व्रत नियम पुरीता, कहां हो जानकी तुम कहां हो, तुम्हारे बिगर हम रह नहीं पाएंगे। राम जी महाराज रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। बोले बाबा ने कहा कि जिनकी कथा सुन के आया आज वही मुझे दर्शन दे रहे हैं, धन्य है,
पृथ्वी पे साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भोले बाबा, धरती माता के ऊपर भोलेनाथ। सती कह रही कि किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले मेरे इष्ट की कथा सुन के आया हूं, आज मेरा इष्ट के मुझे दर्शन हो गए। बोले कहां मुझे नहीं दिख रहा है? भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुझे नहीं दिखेगा, तेरी आंखों पे तो माया का पर्दा पड़ा है, ना तेरे कानों में कथा जाएगी और ना आंखों से तुझे कुछ दिखेगा। मैं देख रहा हूं, वो देखो मेरे राम जी सीता जी के लिए कैसी लीला कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए, भगवान होते हुए एक इंसान की तरह, मनुष्य की तरह रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कह रही कि मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं दिख रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि चट्टान पे खड़ी होकर देखो, वो देखो सामने एक झाड़ी के पीछे हमारे राम जी रो रहे हैं, सीता जी के लिए ढूंढ रहे हैं सीता जी को। सती ने कहा कि ये आगे वाले, अरे ये तो मैं जानती हूं, ये अयोध्या के दशरथ जी के पुत्र हैं, बड़े वाले का नाम राम है, छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है, इनकी पत्नी को कौन ले गया ये इनको पता नहीं, ये पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये सीता सीता करके रो रहे हैं, जान के कर रहे हैं ना। भोलेनाथ कह रहे हैं अब तेरा कल्याण नहीं होने वाला, जो सेवक अपने स्वामी की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है, जो शिष्य अपने गुरु की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है, जो पुत्र अपने पिता की निंदा सुनता हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है, जो गांव वाला गांव की निंदा सुनता उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जिस देश में पैदा हुए हैं भारत की कोई निंदा करे और हम सुने तो हमें गौ हत्या का पाप लगता है। जिस समाज में पैदा हो गए उस समाज की कोई निंदा करे हमें गौ हत्या का पाप लगता है। या तो बल दिखाना चाहिए या वो स्थान ही वहां से छोड़ देना चाहिए। बोले बाबा ने कहा कि सती निंदा कर रही है। बोले बाबा ने, सती ने कहा कि बाबा अगर तुम कह रहे हो ना तो मैं अभी परीक्षा ले लेती हूं इनका, ये दोनों कौन है, अभी यूं परीक्षा लेती हूं। मना करने के बाद भी सती चली गई, एक झाड़ी में जाके सीता का रूप बना लिया। सती ने सीता का रूप बनाया और सती जैसे ही राम जी के सामने गई और राम जी से कहने लगी, अरे प्रभु राम जी, आप जिस सीता की तलाश में घूम रहे हैं ना वो सीता आपके सामने खड़ी है, देखो क्यों रो रहे हो? राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण आज क्या बात है, हमारी माता जी ने ये क्या रूप बना लिया है? राम जी कह रहे हैं कि माता जी प्रणाम, हमारे पिताजी कहाँ है? सती कह रही कि कौन माता, मैं तो सीता हूं सीता। राम जी कह रहे हैं आप सीता हो, तो फिर बताइए हम कौन है? तो सती कह रही कि आप जगत, आप अयोध्या के राजकुमार हैं ना, आपका नाम राम है, छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है, मैं अच्छी तरह जानती हूं। लक्ष्मण जी बोल पड़े, लक्ष्मण जी ने कहा ये मिथ्या विचार, ये दशरथ के राजकुमार नहीं, ये पूरे संसार के पालनहार है, पूरी सृष्टि राम में है, ये वही राम जी है। सती कह रही कि मैं नहीं मानती मिथ्या विचार। राम जी कह रहे कि मिथ्या विचार तो फिर देखो चमत्कार, ताली बजाई, तीन ताली बजी और जिधर रखे उधर राम, पत्तों में राम, वृक्षों में राम, जड़ में राम, चैतन्य में राम, जहां देखे वहीं राम। सती घबराई कि मैंने कहां पंगा ले लिया, ये तो वास्तव में ब्रह्म है, ये साधारण राजकुमार नहीं है। बोले बाबा ने उसी समय अपने मन से सती का त्याग कर दिया। बोले जिस पत्नी ने हमारे इष्ट की पत्नी का रूप बना लिया अब मेरे काबिल नहीं है। बोले बाबा ने मन से सती का त्याग कर दिया, सती को त्याग दिया। अब सती घबराई,
कि मैं सती से सीता बन गई, अब मैं भोले बाबा के काम की नहीं रही, भोले बाबा को मुंह कैसे दिखाऊं। तो भोले बाबा वहीं बैठे बैठे मन में भगवान के नाम का चिंतन करने लगे और मन में भगवान के नाम का भोले बाबा चिंतन कर रहे हैं। और उस समय सती अपने मन में लालसा लगी हुई है, क्या करूं। शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हर्ष विशेषा, परिलोचन छवि सिंधु निहारी, परिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जाने की विचार, करोड़ों ब्रह्मांड देखे हैं। हमारे राम जी राम नहीं ब्रह्म हैं, सबको मोक्ष देने वाले गति देने वाले राम हैं। जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकार, राम जी के शरीर में जीव चराचर, जैसे अर्जुन को भगवान नारायण ने विराट रूप दिखा करके मनोबल को तेज किया था महाभारत में,
अर्जुन ने हथियार नीचे रख दिए थे, इन गुरुजनों पे कैसे मैं वार करूंगा, कैसे मारूं इनको मैं, कोई मेरे ससुराल जी है, कोई मेरे साला जी है, कोई मेरे मामा जी है, कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा काका है, कोई मेरा दादा गुरु है, कोई मेरा गुरु है, हे प्रभु इन सबको मार के मैं पापी नहीं बनना चाहता। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया था, मैं किसी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि इनको मारने के बाद जो संपत्ति मुझे मिलेगी वो पाप की संपत्ति होगी। गुरु को मार के मैं धन लूंगा। तो कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय वाली पूरी गीता सुना डाली, पूरी गीता। अर्जुन को क्यों सुनाई थी? उसका मन शीतल हो गया था, मोह में फंस गया था। तो भगवान ने 18 अध्याय की गीता सुना करके अर्जुन का मोह जो था भंग किया और विराट रूप के दर्शन कराए, विराट रूप दिव्य ज्योति आंखों की देकर के दर्शन कराए थे इस अर्जुन को। ऐसा ही आज हमारे राम जी महाराज सती माता को दर्शन दे रहे हैं। वो केवल राम नहीं है, राम नहीं नाथ नर भूपाला, वो कालों के भी काल हैं राम जी महाराज। वो तो संतों के श्राप के कारण एक मनुष्य बने हुए हैं, बाकी ईश्वर है। लेकिन आज सती माता घबराई, अवलोके रघुपति बहुत तेरे सीता सहित नवेश गनेरे। अनेकों वेश धारण किए देवता रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा, सीता सहित रामचंद्र जी दिख पड़े, अनेक वेश राम जी के नजर आ रहे थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भय संभीता। अब क्या करूं मैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहे वो सत्य सब बात। सती कहने लगी अब मैं क्या छुपाऊं आपसे, मेरा शरीर आपके काबिल नहीं रहा है। भोलेनाथ जैसा कोई दानी नहीं है, कोई क्या देता है कोई क्या देता है, लेकिन अपनी पत्नी का त्याग कोई करता है? बोले बाबा कितने भोले हैं, अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया, मुझे पत्नी नहीं चाहिए भाई, पत्नी का त्याग कर दिया। तब शंकर देखो धर ध्याना सती जो कीनी चरित्र सब जाना। बोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा कि सती ने क्या क्या किया है। सती ने सीता का रूप बनाया, मेरे ठाकुर जी की परीक्षा ली, शंका की मेरे राम जी पे। उसी समय कह रहे हरि इच्छा भावी बलवाना रधे विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, भोलेनाथ करेगी हरि की इच्छा भावी है, बलवान है, हम भी हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा शिव उर भय विषाद विशेखा। अब भोले बाबा ध्यान में बैठे हैं, मेरे भोले जैसा कोई भोला नहीं है। कह रहे हैं इतना भोले बाबा है, सती का त्याग कर दिया, मन में बैठे हैं, आंखें बंद की, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, होठ भी ना हिलने चाहिए, जीभ भी ना हिलनी चाहिए, श्वास के माध्यम से आते श्वास में भी राम का नाम और जाते श्वास में भी राम का नाम होना चाहिए। हमारे भोले बाबा ने अर्धचंद्राकार आंखें करके और राम के ध्यान में अपना मन लगाया है। तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा सुमिरत राम हृदय गावा। बैठे हैं भगवान भोलेनाथ और बैठे बैठे कह रहे हैं और नहीं कोई और नहीं भोले नाथ
हाथ से निराला कोई और नहीं भोले, बाबा से निराला कोई और नहीं भोले, हाथ से निराला कोई। दोनों हाथ भागे, ताली बजा दे। तन की शुद्धि होती है स्नान करने से, स्नान करने से नया जन्म हो जाता है। दो बाल्टी पानी की डाल लो, तन की शुद्धि हो जाएगी, मन की शुद्धि होती है हरि भजन से, और शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो औषधि से बीमारी ठीक होती है। मन दुख राम के भजन से ठीक होता है, और शरीर का दुख औषधि से, लेकिन हाथों का दुख अगर लकीरें बनानी है तो ताली बजाने से हाथों की लकीरें बन जाती है, और पैरों की लकीरें बनानी हो तो पैरों की लकीरें बनाने पर तो नाचना ही पड़ता है, बिना नाचे लकीरें नहीं बन सकती। और जो ठाकुर जी के दरबार में नाच लेता है उसे जिंदगी में किसी के घर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और धन की शुद्धि हरि के दान की, दान करने से। आइए से निराला कोई और नहीं कोई, हाथ से निराला कोई और नहीं।
जब जब करवट बदले काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले आप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले मुझको बचाने वाला और ही नहीं कृष्ण नहीं आराल की जय हो हनुमान जी महाराज की बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले बाबा जो हैं साहब आंखें बंद किए बैठे हैं ध्यान में सती माता पास में बैठी कितना ही समय बीत गया है लेकिन भोले बाबा ने अपनी पल नहीं खोली सती पास में बैठी बैठी है सती ससोच जान ब्रस के तू कई कथा सुंदर सुख है तू पास में बैठी सती बोले बाबा ध्यान में बैठे हैं सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माई मरम न को जान कछु जुग सम दिवस ही सिरा बैठे हैं कितना ही समय बीत गया बैठे बैठे बीते सम्मति सहस सतासी तजी समाधि संभू अविनाशी बोले बाबा ध्यान में बैठे हैं बीते सम्मत सहस सतासी सती माता 87,000 वर्ष तक बैठी रही बोले बाबा ने 87,000 वर्ष तक ध्यान लगाया यहाँ सती ने सीता का रूप बनाया इसलिए बोले बाबा ने 87,000 वर्ष तक भगवान का भजन किया है बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि संभु अविनाशी बैठे रहे ध्यान में बैठे रहे राम राम करते रहे राम राम करते रहे सती माता जलती रही पश्चाताप की अग्नि में एक तो मैंने कहा ये सारी बातें क्यों हो रही क्यों सती माता ने कथा नहीं सुनी इसलिए कथा में मन नहीं लगा इसलिए मन भ्रमित हुआ राम जी की परीक्षा ली सीता बनी और फिर भोलेनाथ ने पूछा परीक्षा ले ली बोले मैं तो गई नहीं और झूठ पे झूठ तो बोले बाबा ने कहा कि अब सती का कल्याण नहीं बैठे ध्यान में इतना प्रश्न बीतने के बाद में भोले बाबा ने राम नाम शिव सुमिरन लागे जानो सती जगत पति जागे जागते ही भोले बाबा ने राम राम का सुमिरन किया राम राम का सुमिरन करने लगे सती ने कहा भगवान जागे जाई शंभु पद वदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना सती को बिठाया बिठाने के बाद आकाश में नजर गई है विमान में सारे देवता जा रहे हैं बोले किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व बंधु समेत चले सुर सर्वा विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई सती विलोके व्योम विमाना आकाश में नजर गई सारे देवता जा रहे हैं अपने अपनी सवारी पे बैठ के जा रहे हैं सती ने कहा बोले बाबा सब कहां जा रहे हैं बोले सब तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं पिताजी के घर क्यों बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचवाया है
सबको निमंत्रण दिया, सब जा रहे हैं। तो भोलेनाथ अपन नहीं चलेंगे ससुरा जी के घर? तो बोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के मेरे भृगु ऋषि के यज्ञ में लड़ाई हो गई थी। एक बार भृगु ऋषि के यज्ञ में तुम्हारे पिता महाराज को अध्यक्ष बनाया, गवंडी थे तो हम खड़े नहीं हुए, तभी से हमारे कुछ कहा सुनी हो गई। उसके बाद उन्होंने हमें बाइकाट कर दिया है, हमें निमंत्रण नहीं देते हैं। तो यहाँ सती ने कहा कि कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं आया तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पिता का घर है और पिता के घर में तो जमाई जाता ही है, बेटी जाती है, निमंत्रण की क्या जरूरत है। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कि कहीं भी हो लेकिन बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती कह रही है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बाप के घर में क्या फर्क पड़ता है, मैं जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सती ने कहा मैं जाऊंगी। एक कथा नहीं सुनी, दूसरा कहा नहीं माना, तीसरा झूठ, चौथा दूसरे की पत्नी का रूप बना लिया, पांचवा पति कह रहा कि नहीं जाना, तो कह रही जाऊंगी और सामना कर रही। भोलेनाथ ने कहा कि अब इसका कल्याण नहीं है। मना करते करते सती चली जा रही है, पीछे वीरभद्र को भेज दिया है। आइए सुंदर झांकी के दर्शन अपन करते हैं।